वक्त असी मौजूद हाँ हलका हुशियारपुर विधानसभा विच पेंदे भीम नगर वार्ड नंबर 17 जिथे दियां आ रही मुश्किलों संबंधी असी तुहानू जाणू करवाउण लई आ रहे हैं। सो सानू जिवें पता चलिया कि प्रशासन वालों इत्थे किसी भी तरह की सहूलत नहीं है, खास करके पानी दे नू लैके बिजली का भी इत्थे मुद्दा है, पानी नू बहुत दिक्कत आ रही सी। सो तुसी देख रहे हो लोग इत्थे पिछले तीन पता चलिया कि पिछले 3-4 दिन तो जिहड़ा पानी नहीं मिल रहा हैगा। आओ असी स्थानीय लोगों के नाल गल करते हैं। हाँ जी, कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? 4 दिनों के बाद तो प्रशासन से बात हुई? हाँ, 4 दिन से पानी नहीं आता सर, मर गया गर्मी के लिए, पानी के लिए मर गए। बेकार गया, कभी ऐसा हो गया, कभी वो भाग गया, कभी भाग गया। तो यहाँ बेकार को कुछ नहीं सुनना, बत्ती तक नहीं आ रही था। तो आपको प्रशासन से आपकी बात हुई, उनको आपने बोला कि भाई हमारे यहाँ ये दिक्कत आ रही है सर? बोला उनको दिक्कत आ रही सर, पानी नहीं मिल रहा। तो फिर उन्होंने क्या कहा? अभी कह रहे अभी मोटर ठीक होएगा तुम्हारा। मोटर कितने दिन हो गया मोटर खराब को? 4 दिन। तो 4 दिन मोटर खराब को हो गया, तो 4 दिन से आपको पानी मिला ही नहीं है? नहीं मिला, कहीं कैसे भरते, कहीं कैसे। तो यहाँ कोई स्थानीय नगर निगम की ओर से कुछ पानी का टैंकर भिजवाया हो? नहीं आया। अभी ये प्राइवेट टैंकर जो आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी गुरविंदर शर्मा जी की ओर से यहाँ पर भिजवाया गया है, मगर स्थानीय प्रशासन की ओर से यहाँ कुछ भी नहीं किया गया है। आइए यहाँ पर हम एक और भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर कितना मतलब इससे की परेशानियाँ आ रही हैं पानी नू लेके? कल परसों तो जी पानी की प्रॉब्लम आ रही है। मैनू फोन आंदे जी, एक्स कौंसलर मेरी वाइफ रीना ही इत्थे, ते पिछले 6 साल आप सेवा की है लोगों की, ते कल परसों तो ये दिक्कत आ रही है पानी दी। और प्रशासन वालों कोई भी इदा दी सहूलत नहीं दी गई है, मतलब जिदा कि कोई इत्थे दस रहे स्थानीय लोग कोई टैंकर भी भिजवाए? अजे तक नहीं जी, कोई नहीं टैंकर नहीं भिजवाया। इधरला बंदा जाता भी तो साढ़े बंदे का इतने कोई काम नहीं होंगे जी, मोरा नहीं साढ़े बंदे लगती, भेदभाव हो रहा कि तू विने नाल तुर रहा सी, तू ये सीगा वो सीगा, इदा दी गल्लां सामने आंदी। असी कहिंदे तुसी बनाया परावा तुसी भरो, तुहाडी जिम्मेदारी है। नहीं कि उस मुंडे नूं फोन लाया जिहड़ा पहले सीगा ऋषि गुमरा, ते ओह मैनूं कहिंदा भाजी मैनूं तां एमसी साहब ने इत्थों चकाता, मैनूं नहीं पता इहदे बारे। मैं कि मोटर खराब है तां दस दे, कहिंदा मैनूं नहीं पता जी। उन्हें मैनूं इह कहा। अच्छा, प्रशासन वालों ये तुहानूं दस्सिया गया कि मोटर खराब है, पर जे मोटर खराब होण दे बावजूद ते नगर निगम दे विच जिस तरह टैंकर हुंदे आ जी पानी दे, ओह टैंकर भी नहीं पहुंचाए गए पिछले 3-4 दिनां तों? देखो जी, ये तो कौंसलर दा हक बनता कि भी मेरी मोटर खराब है, मैं मोटर मंगावा। पहले तो ये बड़े भी कोई भी टैंकर आंदा सी बह के उपर आंदे सी ट्राली ते, मैं मोटर लाया, मैं जो ले आया जी। अज जब उन्होंने जिम्मेदारी मिली है तो साफ नज़र ही नहीं आते। साहब नू सोचना चाहिए भाई, देखो जनता ने सानू चुनिया, ये भेदभाव ना करो। एक हुणी मैनू पता लगा जी फेसबुक ते एक बिंच पई सी कि बाहर एक सुदामा हैगा, सुदामा राय जी बीजेपी का कार्यकर्ता, वो चोरी जे इल्जाम लाए गए, बहुत गलत गल है। इदा दे इल्जाम किसी से नहीं लाने चाहिए। अज सुदामा राय से इल्जाम लाए, कल नू किसी होर ते भी ये बंदे ला दूंगे। ये गल्लां नहीं होनी चाहिए। तुसी भेदभाव भुल के काम करो, जनता का काम करो जी। जनता ने थोनू चुनिया, ये ना करो तू ओदा नागेंद्र का बंदा जाऊगा ओदी मोर नहीं लानी, विनय का बंदा जाऊगा ओदी नहीं लानी, सोनू का बंदा जाऊगा ओदी मोर नहीं लानी। इदा थोड़ी काम चलूंगे, चले बोल जाए विनय नू नागेंद्र नू सारे नू। आइए हम स्थानीय लोगों से और बात करते हैं। हाँ जी बहन जी, आपको कितने दिनों से समस्या आ रही है पानी की? हो गए 4-5 दिन हो गए पानी की समस्या। यहाँ के एमसी वार्ड मेयर किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं करा इधर। अच्छा। एमसी बनावा ने तो नया एमसी बना, उसने कुछ नहीं करा हमारे लिए। अच्छा, तो आप जैसे कि हमें भाई साहब ने बताया कि मोटर पीछे से खराब है तो उसके पे दिक्कत है, अगर मोटर खराब है तो आपको टैंकर वैंकर कुछ भिजवाया ऐसे पानी के? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं मंगाया हमारे लिए। अच्छा, ये टैंकर कहाँ से आया अभी? ये टैंकर किन्होंने भिजवाया? हाँ बाबन ने, शर्मा जी ने। हाँ शर्मा जी ने। तो आप देख सकते हैं साथियों नज़ारा यहाँ का क्या है, ये कोई राजस्थान नहीं है, ये कोई बिहार नहीं है जहाँ पानी की दिक्कतें और कमियां आती हैं, ये हमारा पंजाब ही है। आइए हम बात करते हैं रविंदर शर्मा जी के साथ। सर क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप? अभी हमें सुबह मोहल्ले वालों का 3-4 आदमियों का फोन आया, अभी हम 3-4 दिन से पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने इनको पूछा कोई एमसी या किसी मेयर वगैरह ने तो आपने कंप्लेंट किया? जो बोलता सभी को कंप्लेंट किया, पर जहाँ पर पानी नहीं आया है तो हमारा दिल पसीज गया। तो फिर मैंने अपनी तरफ से
जो 2 या 3 टैंकर पानी के लेके प्रोवाइड कराए हैं। जैसे सर हमें स्थानीय लोगों से पता चलिया कि मतलब जहाँ ना तो इतने MC साहब ने उन्होंने कोई सुनवाई की है, मोटर खराब की गल कर रहे हैं, पर जे मोटर खराब से पिछले 3-4 दिन कोई टैंकर नहीं पानी का भिजवाया गया, तुहाडे वल्लों इत्थे तुसीं टैंकर पानी का लैके आए हो, तो तुसीं की मैसेज देना चाहोगे प्रशासन के लोगों? मैं प्रशासन को खास करके मंत्री साहब अरोड़ा साहब को तो मेयर साहब को यह देना चाहता भी ये एरिया भीमनगर एरिया भी उन्होंने अंदर ही आता है, तो ये नहीं कि वोटों वेले तुम ध्यान दो, तो पहलों भी आके पब्लिक के विचरो तो उन्होंने देखो कि बुरा हाल आ, तो इन्हों का हल करो, जे जब तक नहीं हल करेंगे लोगों के फोन आते रहेंगे तो मैं अपने वालों आते पानी के टैंकर प्रोवाइड कराता रहूँगा। जब तक तुहानू ये हल नहीं हो जाता इस तरह तुसी अगे भी पानी के टैंकर इस जगह पर भिजवाते रहोगे। सो ठीक है, सो ये सन रविंदर शर्मा जी आम आदमी पार्टी आगू हुशियारपुर तो ना। हाँ जी पासवान जी क्या कहना चाहिए? देखिए प्रशासन के हाल पानी बिना जो है ना सब तरस रहा था, फिर जाकर हमने जो शर्मा जी को फोन किया, शर्मा जी टैंकर भेज दिया। ठीक है जी, यहाँ 3-4 दिन से पानी की बोल रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, तो प्रशासन कुछ नहीं ऐसा? प्रशासन के आदमी को यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, सुबह सुबह हमको पकड़ के सब कहते हैं यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी पिलाओ, ये करो वो करो, मैंने बोला फोन करता हूँ पानी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ये हमारा पंजाब ही है यहाँ जिसको रंगला पंजाब बोला जाता है। आप हालात देख सकते हैं इस वक्त हुशियारपुर के भीमनगर के, जहाँ पानी की इतनी दिक्कत है, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं पानी के लिए, तो ये बहुत ही दुख की बात है। मौजूदा सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप इसका जो भी है सल्यूशन जल्द से जल्द निकालें, यहाँ के MC मेयर हैं। तो साथियों आप देखते रहिए रेस्टवे एक्सप्रेस, हम इसी तरह आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। किन्होंने ये पानी भिजवाया आपके यहाँ? ये आम आदमी पार्टी की ओर से जय श्री रविंदर शर्मा जी ने भेजा है। आम आदमी पार्टी रविंदर शर्मा जी जिंदाबाद, रविंदर शर्मा जी जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, रविंदर शर्मा जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो आप देखते रहिए रेस्टवे न्यूज एक्सप्रेस, तो इसी तरह चलता रहेगा।